हेलो एवरीवन। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी इसका शिकार हो सकता है। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि आप डिप्रेशन की वजह से सफ़र कर रहे हो तो आप इसका इलाज भी नहीं कर सकते। इस वीडियो में आप जानेंगे डिप्रेशन किसे कहते हैं, डिप्रेशन की वजह से आपकी बॉडी और ब्रेन में क्या होता है जिसकी वजह से डिप्रेशन आता है, उसकी क्या अर्ली साइंस है और उसके लक्षण यानी कि सिम्टम्स क्या है वो भी आप जानेंगे। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिप्रेशन के ये आंकड़े आपको चौंका देंगे। हाँ दोस्तों, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में 280 मिलियन यानी 28 करोड़ लोग डिप्रेशन में है, और इंडिया में 2015-16 का नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे दिखाता है कि 20 में से एक आदमी डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है। इजंट इट शॉकिंग? चलिए जानते हैं क्या है ये डिप्रेशन। फ्रेंड्स, डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन मूड डिसऑर्डर है, लेकिन हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा है कि ये एक बहुत ही सीरियस मेंटल प्रॉब्लम है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर नहीं करते और ना ही उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, जिसकी वजह से वे लोग बहुत सफ़र भी करते हैं। डिप्रेशन इन लोगों में आता है जिसके साथ लाइफ में कुछ अनहोनी हुई हो। बहुत सारे रीजंस की वजह से आपको डिप्रेशन आ सकता है। डिप्रेशन नेगेटिव सोशल इंटरेक्शन, बेरोजगारी, कंपैरिजन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लंबे समय तक किसी सीरियस बीमारी का होना, या फिर कुछ ऐसी घटनाएं आपकी लाइफ में होती है जैसे कि ब्रेकअप, डिवोर्स, किसी अपने की डेथ हो जाना या फिर सेक्सुअल अब्यूज़ होना, और भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। तो ऐसी घटनाएं जब किसी के साथ बनती है तो वो ऐसे सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते और वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। जैसे कि आपको बताया कि डिप्रेशन एक नॉर्मल मूड डिसऑर्डर है। डिप्रेशन में नॉर्मल मूड फ्लैक्चुएशन से थोड़ा डिफरेंट होता है। डिप्रेशन माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। माइल्ड डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है और वो कुछ ही दिनों के लिए होता है। माइल्ड डिप्रेशन में आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख्याल आते हैं, आप बहुत सैड, इरिटेबल और एम्प्टी यानी खाली फील करते हो, फ्यूचर के लिए बहुत होपलेस हो जाते हो, आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा गिल्ट और शेम फील करते हो, आपको खुद के लिए नफरत होती है, आपको अपनी फेवरेट हॉबीज और एक्टिविटीज़ में से इंटरेस्ट कम हो जाता है, बहुत ही टायर्ड यानी थका हुआ महसूस करते हो, आपका लाइफ में मोटिवेशन कम हो जाता है, आपका स्टडी और काम में कंसंट्रेशन और फोकस कम हो जाता है, आप पूरा खाना नहीं खाते या फिर बहुत कम खाते हो, किसी को भूख कम लगती है और खाने का मन ही नहीं करता, आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है या फिर आपको नींद ही नहीं आती, आपको सब कुछ याद रखने में भी काफ़ी तकलीफ़ होती है, आपको किसी से बात करने का बिल्कुल मन नहीं करता, आप सोशल गैदरिंग से दूर भागते हो, आपके वेट में भी चेंजेस आता है, आपकी एनर्जी बिल्कुल कम हो जाती है। अब जानते हैं मॉडरेट डिप्रेशन के बारे में। मॉडरेट डिप्रेशन कुछ हफ्तों के लिए होता है और वो 2 साल तक भी रह सकता है। मॉडरेट डिप्रेशन के सिम्टम्स है, आपका सेल्फ एस्टीम बहुत कम हो जाता है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, आपको ऐसा लगने लगता है कि आप वैल्यूएबल नहीं हो, किसी को आपकी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को डिप्रेशन के साथ एंग्जाइटी भी होती है, आप बहुत चिड़चिड़ा महसूस करते हो, अगर आपके शरीर में कुछ दर्द या बीमारी है तो वो भी बढ़ जाता है, आपकी सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है, आपको छोटी छोटी बातें भी हर्ट करने लगती है, आप बहुत ज़्यादा वरीड यानी चिंता में रहते हो। मॉडरेट डिप्रेशन में आपको घर में और काम में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, आपके सोशल रिलेशन पर भी असर पड़ता है, और अगर कोई सीवियर डिप्रेशन में होता है
तो उसमें माइल्ड और मॉडरेट डिप्रेशन के सिम्टम्स तो होते ही हैं, लेकिन उसके सिम्टम्स आसपास के लोगों को भी दिखने लगते हैं। ये 6 महीने तक या उससे भी ज़्यादा समय तक रहता है, और अगर सही समय पे उसकी ट्रीटमेंट ना की जाए तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी साबित हो सकता है। सीवियर डिप्रेशन में आपको डिल्यूजन होता है, यानी आपको अजीब ख्याल आते हैं जो कि वो रियलिटी में सच नहीं होते हैं। आप बेहोशी और मानसिक जड़ता की स्थिति में पहुंच जाते हो। आपको लाइफ जीने का मन नहीं करता। आपको सब कुछ वर्थलेस लगने लगता है और आपको सुसाइडल यानी मरने के ख्याल भी आते हैं। फ्रेंड्स, डिप्रेशन में आपको लाइफ के हर एक स्टेज में परेशानी होती है। आपको फैमिली में, वर्क प्लेस पे या फिर स्कूल और कॉलेज में भी। अगर आपको लगता है कि आपको इन सब में से कोई भी सिम्टम्स है तो आपको भी डिप्रेशन है। इसे अनदेखा ना करें, आप इसे अपनों के साथ शेयर करें, थोड़ा सा लाइफस्टाइल में बदलाव करें, पॉजिटिव थिंकिंग करें। डिप्रेशन को खुद की केयर करने से या किसी की हेल्प लेने से ठीक किया जा सकता है। डिप्रेशन में काउंसलिंग या मेडिटेशन या फिर दोनों आपको हेल्प कर सकता है। आप डॉक्टर से मिलकर थेरेपी और मेडिसिन लेकर भी ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप डिप्रेशन के साइन और सिम्टम्स अच्छी तरह से समझ गए होंगे। डिप्रेशन से कैसे बाहर निकले, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट भी करें। मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।